गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। सो आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज का वीडियो टीनएजर के लिए है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है टीनएजर की कि मैम हम लोगों के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाए, हमारा टाइम बहुत कम लगे और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी या जो भी DIY आप लोगों के लिए मैं रेडी करके रखे हुए हैं लेकर आई हूँ वो जल्दी जल्दी से बन जाए बिकॉज टीनएजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-4 घंटे अपनी स्किन के ऊपर या अपने लिए निकाल पाएं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका हॉटस्टार चल रहा होता है, उनका यू नो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं, उन्होंने रील बनानी होती है, पता नहीं क्या कुछ है ना। सो वेल, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा समर पैक आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ये समर की जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है सबको दूर करेगा। टीनएजर के साथ तो है ही है, ये नहीं है कि ये पैक जो आज का वीडियो है ये सिर्फ टीनएजर के लिए है, बिल्कुल भी नहीं। इसे मेरे जो बाकी के दोस्त हैं 30, 40, 50, 60 एज के भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन वीमेन सभी इसका यूज़ कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा समर पैक है, बहुत ही अच्छा समर सन टैन और डी टैन पैक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो सारे प्रोडक्ट जो हैं आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे। मैं टीनएजर के लिए क्यों बोल रही हूँ कि आज का वीडियो टीनएजर के लिए क्यों स्पेशल है, बिकॉज टीनएजर की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, और पानी कम पीना है, ऑयली फूड ज़्यादा खाना है, तो ऑयल का प्रोडक्शन जो स्किन के ऊपर होता रहता है उससे बहुत सारी स्किन के रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आने की वजह से स्किन के ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन के ओपन पोर्स जो हैं वो बहुत बड़े लार्ज हो जाते हैं जिससे स्किन बहुत भद्दी लगती है, राइट। उसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन बहुत होने लग जाते हैं, जब भी हम मेकअप करते हैं तो स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा स्किन के ऊपर दाग धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं, जब भी हम यू नो 18 प्लस होते हैं तो हार्मोन चेंजेस की वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से हमारी स्किन जो है पहले से एक तो होती है एक बहुत नॉर्मल स्किन होती है, तो और जब टीनएज जो है जो बड़े होने लगते हैं 18, 19, 20 में जाते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर बड़े रैशेज, स्किन के जो इश्यूज हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से बहुत वरी होना शुरू हो जाते हैं और बहुत महंगे और कॉस्टली प्रोडक्ट और केमिकल वाले प्रोडक्ट घर ले आते हैं जिसकी वजह से उनका जो साइड इफेक्ट होता है वो आने वाले कुछ सालों के बाद ही हमें पता चल जाता है। तो उन चीज़ों को करिए अवॉइड, घर की चीज़ों से अपनी स्किन को बनाइए हेल्दी। हेल्दी स्किन पाने के लिए आज का वीडियो आपको देखना बनता ही बनता है क्योंकि आज का वीडियो जो है टीनएजर के लिए है जो टाइम भी बचाएगा और आपको आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी भी बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सबसे पहले फर्स्ट पैक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पैक के लिए हमें घर में दही मिल जाती है, फ्रिज में से एक चम्मच दही निकालिए, उसके अंदर आधा चम्मच एक चम्मच आपने मिक्स कर लेना है राइस फ्लावर का, दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आपने अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर देना है, सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करके मसाज करनी है और 20 मिनट के लिए इसी तरह से लगाकर छोड़ देना है। दोस्तों, इस पैक की मदद से आपके स्किन के ऊपर जितना भी टैन है, पोल्यूशन है, डस्ट है, बड़े आराम से निकल जाएगा, स्किन एकदम से स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पैक की तरफ। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है या दही नहीं है तो आप सेकंड पैक यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बाउल के अंदर 2 रुपए का कॉफ़ी का पाउच डाल रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। भाई, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बादाम का तेल है, अगर वो भी नहीं है तो देसी घी है तो वो है तो वो डाल लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो घर की दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो डाल लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चेहरे पर अप्लाई करना है। चेहरे पर अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, स्किन एकदम से क्लीन, हाइड्रेट, सॉफ्ट हो जाएगी। ये एकदम से चिकनी सी स्किन अगर चाहिए ना तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हफ्ते में 2 से 3 से 4 बार इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी रेमेडी है। तो अब बढ़ लेते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको ये झंझटों में पड़ना ही नहीं है और चेहरे के ऊपर, नोज़ एरिया पे, स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, स्किन का डस्ट डर्ट दूर करना चाहते हैं तो चारकोल जो मास्क है वो ले आइए। चारकोल एक ट्यूब आपको मिल जाएगी, चारकोल पैक उसके अंदर होता है, उसे अपने नोज़ पे, स्किन पे अप्लाई कीजिए, ड्राई होने के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसको खींच कर निकाल दीजिए, आपके फेशियल हेयर भी निकल जाएंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी निकल जाएंगे, ओपन पोर्स में जितना भी डस्ट डर्ट पोल्यूशन फंसा हुआ है वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। एंड वन थिंग मोर जो बहुत स्पेशल है, इन तीनों में से कोई भी पैक, कोई भी चीज़ फेस पे अप्लाई कीजिए लेकिन मॉइस्चराइज करना बनता ही बनता है, तो मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या फिर फेस ऑयल है उसको अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई किया कीजिए। अगर आपके पास वक्त है रात को सोने से पहले अगर आप इसे यूज़ कर सकते हैं ना तो सबसे परफेक्ट है, पूरी रात ये रेमेडी आपके चेहरे पर काम करती है, स्किन एकदम से क्लीन होती है, रिलैक्स होती है, स्किन को सांस मिल जाती है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। रात को सोने से पहले अगर आप कोई भी पैक लगाते हैं, रात को सोने से पहले लगाइए, परफेक्ट रिजल्ट देता है।
तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा D10 पैक सन रेज से, जो यूवी रेज से हमारी स्किन खराब हो जाती है, हार्श हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसको बनाने उस पैक को बनाने के लिए और उस यू नो ब्लैक स्किन को निकालने के लिए हम एक कटोरे के अंदर 1 चम्मच आटा लेंगे। आटा आप चावल का भी ले सकते हैं, रोटी बनाने वाला सिंपल आटा, गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम बेसन डालने वाले हैं, जो बहुत बढ़िया होता है टैन को निकालने के लिए, काली पट को निकालने के लिए। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं 1/2 चम्मच हनी, यानी कि शहद, जो स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है, झुर्रियों को रिंकल्स को रिमूव करता है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ दही, और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ दही। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, पूरे फेस पे 20 मिनट तक अप्लाई करके रखें, 20 मिनट के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। D10 पैक जो है वो आपकी स्किन के सनबर्न को खत्म करेगा, स्किन के ऊपर जितना भी डस्ट डर्ट है उसे दूर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट के जितना भी आपकी स्किन काली पड़ गई है सन रेज की वजह से, उसे खत्म करने में ये D10 पैक बहुत हेल्प करेगा। और वन थिंग मोर गाइज, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी हम चेहरे को धोते हैं ना, पूरी तरह से चेहरे को इस तरह से क्लीन कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा चेहरा साफ हो गया है, लेकिन हमेशा याद रखें जो हेयर लाइन होती है उसको हम हमेशा रिमूव करना भूल जाते हैं, उसको मतलब अच्छे से धोना भूल जाते हैं, सिर्फ चेहरे को क्लीन कर लेते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, जब मैं शायद आप लोगों की उम्र में थी तो शायद मैं भी यही करती थी, लेकिन जो हेयर लाइन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा डस्ट फंस जाता है। अगर आप गौर करें तो जब भी आप चेहरे को धोते हैं, जितना भी डस्ट और डर्ट होता है ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारा हेयर लाइन होता है उसमें जाके फंस जाता है। उसको वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेशक थोड़ी देर के लिए आपके बाल गीले हो जाएं, लेकिन उसे अच्छे से वॉश कीजिए। सो एवरीबॉडी, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो सब लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर यू नो घर पे रहते हैं, आंटीज हैं, हाउसवाइफ हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनके स्किन के रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो रिमूव हो जाएं, खत्म हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप बनता ही बनता है, प्लीज़ जरूर दीजिएगा। इसे हम लोगों का हौसला बनता है नई नए कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का और वीडियो को और भी अच्छा बनाने का। राइट, तो मिलूंगी नई वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव y'all।